श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ ही शहरवासियों को माँ गंगा की आराधना का अवसर भी मिला। तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट और रवि जोशी मित्र मंडल के तत्वावधान में बस स्टैंड स्थित श्री राम मंदिर परिसर से भव्य गंगा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 10 बजे नवग्रह की नगरी में करीब 1200 किलोमीटर दूर पवित्र गंगा तट ऋषिकेश से पहुँचे गंगा जल का भक्ति भाव से पूजन अर्चन हुआ। इसके बाद संतों के सानिध्य में सुमधुर भजनों और हर हर गंगे घर घर गंगे के जयघोष के साथ भव्य गंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में विधायक रवि जोशी सप्तनी भगवा ध्वज लिए चल रहे थे। सुसज्जित बग्गी में विराजित संत भक्तों को आशीर्वाद देते चल रहे थे। रास्ते भर माँ गंगा के जयघोष के साथ भगवा पताकाएं लहराई गई। गंगा यात्रा के श्री कृष्ण टॉकीज MG रोड राधावल्लभ मार्केट डायवर्शन रोड होते हुए सुबह से हॉस्पिटल परिसर पहुंची। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन हुआ। महाआरती के बाद भक्तों के बीच अभिमंत्रित जल वितरित किया गया। इस दौरान भंडारा प्रसादी का आयोजन भी हुआ जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पिछले 8 वर्षों से निमाड़ की सुख शांति समृद्धि और प्रगति के लिए हम गंगा जल श्रावण मास में भगवान भोले के अभिषेक के लिए लाते रहे। निमाड़ क्षेत्र की तमाम धर्म प्रेमी जनता, धर्म प्रेमी भाई बहन, तमाम श्रावण भर भगवान भोलेनाथ का इस गंगा जल से अभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारी भी मनोकामना है कि निमाड़ खूब प्रगति करे, उन्नति करे, निमाड़ के युवाओं को रोजगार मिले, किसान प्रफुल्लित हो, किसानों को उनकी फसल का दाम अच्छा मिले, अच्छी फसलें पैदा हो। इस कामना, इस आशा के साथ हम पिछले 8 वर्षों से ला रहे हैं, 9वां वर्ष था। आज भी धर्म प्रेमी भाई बहन हजारों की तादाद में उमड़े इस गंगा जल यात्रा में। सब लोगों ने यात्रा में गंगा जी का पूजन किया। गंगा जी के पूजन के पश्चात हजारों लोग प्रसादी लेके गंगा जल लेके अभी निकल गए। कुछ लोग ले रहे, कुछ लोग प्रसादी ले रहे, कुछ लोग गंगा जल ले रहे। निमाड़ में आज बहुत उत्साह का वातावरण खरगोन नगर में देखने को मिला। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।